और लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर मिल रही है। बता दें कि जहां पर मोहम्मदी नगर के एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल के अंदर एक मरीज को बंद कर निजी हॉस्पिटल के संचालक गायब हो गए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम स्वाति शुक्ला और सीएससी अधीक्षक ने अस्पताल को सील कर दिया। वहीं अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टर की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां गर्भवती महिला के परिजन सरकारी अस्पताल मरीज को ले जा रहे थे, तभी कमीशन के चलते गांव की आशा ने मोहम्मदी शाहजहांपुर रोड स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिसके बाद अस्पताल में 20,000 रुपए जमा कराकर महिला का ऑपरेशन किया गया। इस दौरान महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने खून की कमी बताकर शाहजहांपुर रेफर कर दिया, जिससे ही इस रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों ने थाना मोहम्मदी पर तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। ज्यादा जानकारी के संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, बताएं पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट्स? संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैम, बताएं इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट्स? ये वो हेलो संजय, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है मैम। डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है, महिला की मौत हुई है, पूरे मामले में क्या अपडेट्स? ये अपडेट जो है मैम, जो महिला की ऑपरेशन हुआ था, बड़ा ऑपरेशन, महिला का जो पस्त हुआ था, पस्त के दौरान रास्ते में इलाज के शाहजहांपुर रेफर कर दिया था, रेफर के दौरान रास्ते में मृत्यु हुई है। डॉक्टरों की घोर लापरवाही सामने आई है। अच्छा, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।